बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की जो वीडियो है वो मैं फिर से एक ब्रांड का रिव्यू लेके आई हूँ। और क्या कहते हैं, जो इस बार मैं जिस फेशियल ब्रांड का रिव्यू कर रही हूँ, सबसे अच्छी इसकी ये बात है कि वो हर्बल है और ज़्यादा केमिकल वाला भी नहीं है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। और मींस कि ये जिनके स्किन को फेशियल अक्सर सूट नहीं करती है, उनको भी सूट कर जाता है। तो इसका आज मैं आपसे रिव्यू शेयर करूँगी। वैसे तो इसके जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले फेस वॉश होता है, देन क्लिनजिंग होती है, मसाजिंग होती है, स्क्रबिंग, और क्या कहते हैं, मास्क है, न्यूट्रलाइजर है, और लास्ट में एक जेल होता है। लेकिन क्या कहते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं। तो मैंने भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ली हैं, मैंने इसकी पूरी किट नहीं बाय की थी। और यहाँ पे ये साथ में एक पेपर मिलता है जो इसका इंस्ट्रक्शन पेपर है। इस पे पूरी तरह से मेंशन होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। और क्या कहते हैं, इधर स्टेप भी मेंशन है और एक स्टेप को आपको कितना टाइम देना है, सब कुछ मेंशन है। और क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप के बाद क्या करना है, तो इस तरह से आपको ये मिल जाता है। और ये जो है, ये बेयर बेरी वाइटनिंग फेशियल है, कि केमिस्ट वालों का जी, ये केस ब्रांड का जो है वो फेशियल किट है। तो जी, इनके सबसे पहले स्टेप में आपके पास है फेस वॉश। तो फेस वॉश जो है, मैंने अपना जो मैं आजकल रेगुलर यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ किया है, हिमालया का। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका रिव्यू भी आपसे शेयर कर दूंगी कि मेरा इसके साथ क्या है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सेकेंड स्टेप ये देखिए, मेंशन भी इसके पास। स्टेप टू में आपके पास बेयर बेरी का यहाँ पे मिल्क क्लेंजर है, और इसको आपको कम से कम 15 से 10 मिनट करना है फेस वॉश करने के बाद, और जो है इससे ताकि आपकी जो भी एक्स्ट्रा डर्ट है वो सब क्लीन हो जाए, उसके बाद हमारा फेशियल आगे बढ़े। तो सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पे आ जाता है हमारे पास मसाज क्रीम। तो यहाँ पे ये इनकी मसाज क्रीम है, इसको भी यहाँ अपने पेपर के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये लिखा हुआ है 10 मिनट कम से कम आपको इसको करना है। लेकिन आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप थोड़े से अच्छे से अपने फेस का मसाज कर लें। और साथ में इनके ये देखें, यहाँ पे मैं आपसे एक और मज़ेदार बात शेयर कर दूँ, ये जो पिंक पैकेजिंग में आपको दिख रही है, ये इनकी फेस वॉली। तो जी, वो क्या कहते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो है ना, ये देखें, ये वाइट ओट्स करके पाउडर है, क्योंकि ये फेशियल पहले भी 2 बार यूज़ हो चुका है हमारे घर में। तो ये सम्स का वाइट ओट्स का पाउडर है, ये इनका डर्मा क्लीन मिल्क है, ये इसमें मिला के इससे स्क्रैपिंग की जाती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और इससे मैंने पहले 2 मरतबा किसी और का भी फेशियल किया है, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो आज यहाँ पर मैं खुद अपना करवाने जा रही थी, और साथ में पहले जो मैंने आपको दिखाया वो इनका क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज़र था, वो स्टेप 5 पे। लेकिन स्टेप 4 पे हम पहले मास्क अप्लाई करेंगे, फिर मास्क अप्लाई करने के बाद स्टेप 5 पे हम इनका न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है, न्यूट्रलाइज़र को इनके 3-4 मिनट के लिए आप मलें, और बस उसके बाद क्या कहते हैं छोड़ दें थोड़ी देर, और बाद में वाइप ऑफ कर लें। और इसके बाद लास्ट में टोनिंग जेल लगाता है, मैं उसकी जगह रोज़ वाटर अप्लाई कर रही थी, मुझे टोनिंग जेल वगैरह इतने सूट नहीं करते तो मैंने वो नहीं लिया। और साथ में ये इनकी फेस पॉलिश है, इसका मैं बता, ये मैंने इनकी क्या कहते हैं फेशियल से पहले अप्लाई करनी थी, बस रोज़ वाटर के साथ इसका पेस्ट बनाया है और अप्लाई कर लें। और ये हर्बल फेस पॉलिश है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और वैसे वहाँ पे इनकी 2 तरह की फेस पॉलिश थी, मैंने जो है यहाँ पे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि ये वाली ले लेते हैं, तो हमने ये वाली ली है। और इसके यहाँ पे पीछे पूरा आपको इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है। और मतलब आप जब इसे अप्लाई करेंगे देखेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है, उपटन टाइप चीज़ आप जो है कुछ अप्लाई कर रहे हैं। और बस मैं वहाँ से इनका रोज़ वाटर लेना भूल गई थी, तो मैं जो है बस यहाँ से दूसरा रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ जो सिंपल आम ब्रांड का होता है। तो आप चाहें तो इनका रोज़ वाटर भी बाय कर लें, उससे और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अब जो है यहाँ पे मैं अपना फेशियल करवाने जा रही हूँ, साथ में इनकी फ़ेस पॉलिश भी अप्लाई करने जा रही हूँ।
और मैंने जब फेशियल करवा लिया था तो मैं आपको सच बताऊं कि मुझे वाकया ही अपनी फेस में एक डिफरेंस नज़र आ रहा था। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।